में बिहार को मिले पैकेज पर हंगामे का नीतीश कुमार ने आज जुन जुन कर जवाब दिया और साफ कर दिया कि उनका पूरा फोकस सिर्फ बिहार की जनता का विकास है और कुछ भी नहीं। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने के दौरान कांग्रेस और राजद के विधायकों ने हाय हाय के नारे लगाए, जिससे सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर से भड़क गए और कहा कि इतने दिन से हम आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया और आज आप लोग हंगामा कर रहे हैं। सीएम ने इसके आगे कहा कि आज केंद्र हमारी पूरी मदद कर रहा है, विशेष पैकेज दिया जा रहा है, तो आप लोग झूठ का हल्ला कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग मेरा हाय हाय कर रहे हैं, आप लोगों का हाय हाय। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार के ऊपर पलटवार किया गया है और पलटवार करने के लिए राबड़ी देवी सामने आई। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उनका दिखावा है महिला के बराबर, ताकि महिला के मान सम्मान देने के जो आरजेडी की पार्टी है महागठबंधन, वो महिला के मान सम्मान देता है, ये लोग महिला के मान सम्मान नहीं देता है। नीतीश कुमार ने मसौढ़ी से राजद विधायक रेखा देवी को फटकार लगाते हुए कहा कि महिला हो समझती नहीं हो, इन लोगों ने महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ाया। सीएम नीतीश कुमार जिस महिला के हल्ला करने पर नाराज हुए वो मसौढ़ी की आरजेडी विधायक रेखा पासवान है। सीएम नीतीश ने आरक्षण को लेकर भी अपनी सरकार का पक्ष साफ कर दिया, तो वहीं सदन से बाहर आई रेखा पासवान ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि नौवां सूची में इसको शामिल करिए, इसलिए बैठिए आराम से। आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी में मुख्यमंत्री भड़क गए कि महिला है कुछ जानते हैं कैसे आ गए, हम सब कुछ महिला के कुछ बुझा रहा है। बजट पेश होने के बाद से बिहार से दिल्ली तक की सियासत में चर्चा विशेष पैकेज की हो रही है, जिस पर नीतीश कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बिहार को जो मिला उससे विपक्ष खुश नहीं है और बेकार का विरोध कर रहा है। नीतीश कुमार ने एक साफ कर दिया कि हम सिर्फ काम करते हैं और जो बिहार के विकास के लिए जरूरी है वही करेंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड के विकास